गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं वरुण पारसर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। जल्द से सही बच्चे जुड़ जाएं और जुड़े ही गए होंगे आप। सबसे पहले ये बताइए कि आप सभी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, जल्द से बताएंगे। उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा वॉइस का इशू हो गया था जिस वजह से क्लास थोड़ा सा लेट हुई है। बाकी एक बार आप और क्लियर कर दीजिए कि अब आप तक आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं, और आप लोग इतने टाइम तक रुके रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वॉइस इशू था बेटा, और कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बता रहे हैं कि वॉइस आ रही है बिल्कुल परफेक्टली, तो हम समय को ज़्यादा खराब न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। आप लोग सामने दिल्ली सल्तनत के 5 वंश दिए गए हैं, इनको आपको क्रम में लगाना है। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, लोधी है, सैयद है और आपका तुगलक है। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले जो इसकी एक बड़ी ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। इसकी एक ट्रिक आप लोगों ने सुनी होगी कि गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, और इससे आप बड़ी आसानी से दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंशों ने शासन किया है उसको आप समझ सकते हो। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा आपका खिलजी वंश, ठीक है, तो से हो जाएगा आपका तुगलक वंश, ठीक है, सांस से हो जाएगा आपका सैयद वंश, और लो से हो जाएगा आपका लोधी वंश। लो से क्या हो जाएगा आपका लोधी वंश। तो ये इसकी ट्रिक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बोल रहे हैं कि 12543 इसका आंसर है। तो सबसे पहले आपका होगा गुलाम वंश, फिर होगा खिलजी वंश, फिर होगा आपका तुगलक वंश। तो 125 कहाँ पे आ रहा है, 125 सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गई ये चीज, तो बी इसका सही जवाब होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बताएं दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो बीरबल थे, अबुल फजल थे, मान सिंह थे या फिर आपके फैजी थे। अगर बात की जाए तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे हैं सारे। बीरबल जो है जिसका असली नाम महेश दास था, बीरबल जिनका असली नाम था महेश दास। अबुल फजल, ये आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने ही किताब लिखी थी आइन ए अकबरी, ठीक है, आइन ए अकबरी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी थी और यही लिखी दी थी भाई अकबरनामा। बताया जाता है कि अकबरनामा का ही पार्ट है आइन ए अकबरी। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है अबुल फजल को अकबरनामा लिखने में कितना साल लगा था, कितने वर्ष लगे थे, कितने वर्ष लगे थे ये आपको बताना है। मानसिंह जो थे वो कौन थे, वो अकबर के सेनापति हुआ करते थे। मानसिंह जो थे वो कौन थे, अकबर के सेनापति हुआ करते थे। और अबुल फजल है जिनको दीन ए इलाही का, दीन ए इलाही का क्या चुना गया था, दीन ए इलाही का हेड चुना गया था। और दीन ए इलाही आपका अकबर ने शुरू कब किया था, 1582 में ये शुरू हुआ था। और सभी धर्मों का क्या था, ये गठजोड़ था, सभी धर्मों का गठजोड़ था। क्या बता रहे हैं भाई, 7 साल बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, 7 ईयर्स, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आंसर हो जाएगा भैया मानस अबुल फजल। अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां सैन्य रणनीति निश्चित की जाती थी, विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद और चर्चाएं होती थी, प्रशासन संबंधी नीतियां बनाई जाती थी या ललित कलाओं का अभ्यास किया जाता था। क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, बताएं। देखो अगर बात की जाए इसमें, इबादत खाना जो था वो शुरू कब हुआ था, वो शुरू हुआ था 1575 में। इबादत खाना 1575 में शुरू हुआ था। और अगर बात की जाए ये क्या है, यहाँ पे जो अकबर था वो विभिन्न धर्मों के जो विद्वान होते हैं, अलग अलग धर्म के जो विद्वान होते हैं उनसे क्या करता था भाई, उनसे चर्चा करता था, बताता था कि बताइए, आप पूछता था तुम्हारे धर्म में क्या है, तुम्हारे धर्म में क्या है, तुम्हारे धर्म में क्या है। तो विभिन्न धर्मों पे कि यहाँ पे क्या होता था, मध्य वाद विवाद, और अकबर चर्चा करता था विभिन्न धर्मों के विद्वान से, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर। और 1575 के आसपास इबादत खाना शुरू हुआ था। ये इबादत खाना कहाँ पे था, ये था आपका फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे था, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी, वही जिसको अकबर ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है। हाँ जी, आपके कमेंट आ रहे हैं, सोनू सोनू, एक बार भी सोनू बोलते तो चलता, छोटा डॉन। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, ये आपसे पूछा गया है, कौन है जो उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। क्या वो इल्तुतमिश था, क्या वो बलबन था, क्या वो रजिया सुल्तान
थी या अलाउद्दीन खिलजी? देखो भाई, अगर बात की जाए तो इसी ने सेना का एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसे दीवाने अर्ज बोला गया। ठीक है, सेना का एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे दीवाने अर्ज बोला गया। इसी ने बनाया था आपका गुप्तचर विभाग जिसे बोला गया दीवाने बरीद। दीवाने बरीद क्या था भैया? गुप्तचर विभाग था। इसके अलावा इसने ईरान देश का नए साल का त्यौहार नौरोज या नौरोज अपने साम्राज्य में चलाया। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि भाई इसी ने नीति अपनाई थी किसकी? लौ और रक्त की। मतलब जो इसकी बात मानेगा मानेगा, वो तो सही है, जो बात नहीं मानेगा उसके लिए अपनी तलवार उठाएगा लोहा और उसकी मृत्यु भी कर देगा, हत्या कर देगा। ये शुरू किया गया था बलबन के द्वारा। इसी ने 40 भी किया इल्तुतमिश ने बनाया था। इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया था? समाप्त किया गया था आपके बलबन के द्वारा। बलबन ने ही ईरान देश से ये दो प्रथा लेके आया था, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस प्रथा लेके आया था। सिजदा का मतलब है भाई जब राजा सामने आएगा तो इस तरीके से आपसे क्या है भैया, सलाम करना पड़ेगा। और पैबोस क्या है कि बिल्कुल ही राजा के सामने लेट जाना। क्लियर हो गई थी? ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम। ठीक है, कह रहे हैं कि वॉइस खराब हो गई है, वॉइस खराब हो गई है। चलो ठीक है, मैंने टीम को बोल दिया है कि क्या है भैया। ठीक है, बोल दिया है टीम को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बदायूं ने लिखी थी खजाइन उल फतू, जियाउद्दीन बरनी ने लिखी तारीख ए फिरोजशाही, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई और खांद मीर के द्वारा लिखी गई आपका कानून ए हुमायूनी। बताएं, इस क्लास की पीडीएफ आपको बेटा टेलीग्राम में मिल जाएगी। बताएंगे इसमें से आपका क्या आंसर हो सकता है। देखो, अगर इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले इसमें गलत कौन सा है, गलत आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो अब्दुल कादिर बदायूं, क्योंकि खजाइन उल फितू को लिखा था किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। अमीर खुसरो, ये वही अमीर खुसरो है जिनको क्या बोला गया है भाई, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, 6 से 7 राजाओं का शासन देखा था करीबन। इसके अलावा अमीर खुसरो के बारे में बताया जाता है कि खड़ी बोली का विकास किया था इन्होंने। किसका विकास किया था? खड़ी बोली का। इन्हीं को बोला जाता है क्या भैया, भारत का तोता कहा जाता है। दूसरा नाम है भाई तूतीय हिंद, तूतीय हिंद भी बोला जाता है। तबले का आविष्कार इन्होंने ही किया था। इसके अलावा सितार का आविष्कार भी इन्हीं की देन है। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। बताएं, फिरोज शाह तुगलक ने हक के शर्म नामक एक नया कर लगाया था, यह कर कौन सा था? क्या वो युद्ध संबंधी कर था, आवासी संबंधी कर था, सिंचाई कर था, या फिर आपका भूमि कर हो जाएगा? बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। हक के शर्म, एक चीज तो आप लोग याद रखेंगे कि मैंने आपको ये कल भी बताया था, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे बड़ा जाल बनाया था किसका? नहरों का, दिल्ली में सबसे बड़ा जाल। ठीक है, मतलब एक तरीके से नहरें ही नहरें बनवा दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले नहरों के माध्यम से पानी किसने प्रोवाइड कराया, तो फिर वो थे ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक पर नहरों का सबसे बड़ा जाल फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और ये जो हक के शर्ब है, हक के शर्ब का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है हासिल ए शर्ब। और ये क्या था कि जब फिरोज शाह तुगलक नहरों के माध्यम से पानी प्रदान करता था तो उस पानी पर ये टैक्स भी वसूलता था। और उसी टैक्स को क्या बोला गया है, ये टैक्स आपका सिंचाई कर है। तो पानी किसके लिए देता था किसान को? सिंचाई करने के लिए। तो इस हिसाब से आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो फर्रुखशियर था, मोहम्मद शाह रंगीला था, अहमद शाह था, या आलमगीर था? बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन हुआ करता था, बताएंगे। देखो, फिरोज शाह तुगलक का एक पॉइंट और याद रखना, सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, यह भी याद रखना है। जजिया कर सबसे पहले लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, यह भी आपको याद रखना है।
कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। वैसे तो इसका नाम जो था वो मोहम्मद शाह था, पर ये बड़े वैसा व्यक्ति था, दारू पीना, डांस देखना, रंगीले स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोहम्मद शाह रंगीला। 1738-39 की बात है जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार गया, और जो शाहजहां का मयूर सिंहासन था, शाहजहां का मयूर सिंहासन, वो ये उठा के ले गया। कौन ये उठा के ले गया? नादिर शाह। साथ में ये भी याद रखना, पेपर में प्रश्न ऐसे भी आता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, कोहिनूर भी ले गया। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी, क्या वो चौधरी था, क्या वो रावत था, क्या वो मलिक था, या पटवारी था? ठीक है, बताइए। चलिए बेटा, एक चीज ख्याल रखें कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा ज्यादा लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि और शेयर भी कर देना, क्योंकि क्लास को अभी 15-20 मिनट बाद शुरू हो पाई थी, इसलिए जो बच्चे हैं जिनको नहीं पता क्लास शुरू हो गई है उनको पता चल जाए। हाँ, उसे तख्ते ताउस भी कहते हैं। ठीक है, बताइए, सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी क्या चौधरी था, रावत था, मलिक था, या पटवारी था? देखो, उस टाइम पे जो टैक्स वसूलने का, भू राजस्व का मतलब क्या है, टैक्स वसूलने का सबसे बड़ा अधिकारी जो माना जाता था, वो अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? चौधरी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सिखों के जो निम्नलिखित गुरु हैं उनको आपको क्रम में लगाना है, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, या गुरु हरकिशन। देखो, गुरु अर्जुन देव जो थे वो तो पांचवें नंबर के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जो थे वो नौवें नंबर के गुरु। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? ये जहांगीर ने करवाई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए गुरु गोविंद सिंह, तो ये आपके दसवें नंबर के गुरु होंगे, गुरु गोविंद सिंह दसवें नंबर के गुरु होंगे। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है, आप बताएंगे कि गुरु हरकिशन जो थे वो कौन से नंबर के गुरु थे, गुरु हरकिशन कौन से नंबर के गुरु थे। ठीक है, तो बता दीजिए इसका आंसर। सबसे पहले इसमें जो आएंगे वो होंगे आपके गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो दो से कहां से शुरू हो रहा है, कहीं पर से शुरू हो रहा है गुरु अर्जुन देव, तीन से कहां से शुरू हो रहा है, तो ये और ये, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अर्जुन देव के बाद नंबर आने वाला है किसका, इसमें आपका 3413 है और 3143, तो उसमें नंबर आएगा फिर किसका, गुरु हरकिशन का। ठीक है, गुरु हरकिशन आपको बताने हैं कौन से नंबर के गुरु थे, सोच लो भाई एक बार और। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 3, 4, 1 और 2 होगा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर नौवे नंबर के हैं, गुरु गोविंद सिंह दसवें नंबर के। ये गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या किया था, इन्होंने एक सेना तैयार करी थी जिसे खालसा बोला गया, 1699 के आसपास इन्होंने इस सेना को तैयार किया था, खालसा को। ठीक है, चलो, कोई बोल रहा है 8, कोई बोल रहा है 6, कोई बोल रहा है 3, एक बार और सोच लो भैया कि गुरु हरकिशन जो है वो आपके कौन से नंबर के गुरु हैं। ठीक है, नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, क्या वो एकनाथ थे, या फिर वो आपके तुकाराम हो जाएंगे, रामदास हो जाएंगे, या फिर आपके दादाजी कोंडदेव हो जाएंगे? बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है, बताएंगे। देखो, अगर आप दादाजी कोंडदेव बोल रहे हैं तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के सिर्फ संरक्षक थे। कौन थे? सिर्फ संरक्षक। जैसे अकबर के संरक्षक कौन था? बैरम खान था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। प्लस इसमें जो आपके हो जाएंगे कौन से, क्या आ रहा है भैया? सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही। तो जो गुरु रामदास थे वो कौन थे? वो आपके आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे। क्लियर हो गई ये चीज? तो सी इसका सही आंसर है। ये टैक्स बताएं जो उस टाइम पे चलता था जब मुसलमानों का शासन यहां पे था, बताएं। जजिया है, जकात है, खुम्स है और नजराना है, बताएंगे। देखो, अगर बात की जाए टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स, तो जकात एक ऐसा टैक्स है जो सिर्फ मुसलमान देते थे, सिर्फ मुसलमान। बी का आंसर 3 कहां पे आ रहा है? बी का आंसर 3 आ रहा है बी और सी में, तो ए और डी तो वैसे ही गलत हो गए। खुम्स की अगर बात करें तो ये खुम्स जो टैक्स था वो आपका लूट के ऊपर कर था, लूटपाट के ऊपर, जो युद्ध में धन लूटा जाता था उसके ऊपर। तो बी का आंसर 3 और सी का आंसर 4 कहां पे आ रहा है? वो आपके सिर्फ सी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी विल बी द राइट आंसर।
ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए नजराना जो था, वो नजराना आपका बोला जाता है क्या, ये बादशाह को दी जाने वाली एक नगद भेंट थी। और जजिया कर जो था वो आपका गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। किन से वसूला जाता था? गैर मुसलमानों से। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सिंधु नदी के तट पर मंगोलों को पहली बार किसने शासनकाल में देखा गया था? किसके शासनकाल में? बलबन के में, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या बिन मोहम्मद बिन तुगलक? देखो अगर बात की जाए तो ये दिल्ली सल्तनत का भैया वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस व्यक्ति को भैया गुलामों का गुलाम या दासों का दास भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम या दासों का दास। इसी व्यक्ति ने भैया कुतुब मीनार पूरी करवाई थी। यही अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ लेके आए थे भैया? लाहौर से दिल्ली लेकर आए थे राजधानी। इसने अपना एक 40 लोगों का समूह बनाया था जिसे चालीसा बोला गया। ठीक है, इसने एक चांदी का सिक्का चलाया, उस चांदी के सिक्के को क्या बोला गया? उस चांदी के सिक्के को टंका बोला गया। क्या बोला गया? टंका। तांबे का सिक्का जो था उसे क्या बोला गया? उसे जीतल बोला गया। क्या बोला गया? जीतल। ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो आपके एक ही राजा से संबंधित हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका इल्तुतमिश विल बी द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, साथ में एक और चीज याद रखेंगे, आप लोगों को बताना है कि तराइन का तीसरा युद्ध कौन से सन में हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध कौन से सन में हुआ था और इल्तुतमिश ने इस युद्ध को किससे लड़ा था? ठीक है, तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध तो आप जानते हो, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का जो तीसरा युद्ध था वो तीसरा युद्ध कौन से सन में और इल्तुतमिश ने किससे लड़ा था? नेक्स्ट, 1194 गलत है, यल्दस से लड़ा था, ये बात तो बिल्कुल सही है। सन और बता दो। चलो भाई बहुत बढ़िया, 1215, वेरी गुड। छोटा डॉन बेटा पढ़ाई कर ले, डोरेमोन डोरेमोन करता है कमेंट सेक्शन में, पढ़ाई कर ले बेटा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे, बताइए। हाँ जी, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? एहोल अभिलेख से, एरान अभिलेख से मिलता है, मानसेरा से मिलता है, या शहबाजगढ़ी से मिलता है? क्या जवाब आ रहा है यहाँ पे? सभी लोग भी जवाब दे रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये कुछ घटना है आज से 1500 साल पहले की, 510 ईस्वी में एरन नाम की एक जगह पड़ती है, कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। ये हमारे इतिहास का पहला लिखित साक्ष्य है, पहला लिखित साक्ष्य है कि भारत में कोई सती हुआ था, भारत में कोई महिला सती हुई थी। ठीक है, तो ये माना जाता है कि कोई एक गुप्त राजा हुआ करता था भानुगुप्त, उसके सेनापति की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद बोला गया है कि उसकी पत्नी ने क्या किया था, उसकी पत्नी ने सती किया था। तो एरान अभिलेख, एरान आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। साथ में एक और चीज याद रखेंगे, जो आपको ये एहोल अभिलेख दिख रहा है, इस एहोल अभिलेख से क्या पता चलता है कि जो हर्षवर्धन था उसको चालुक्य वंश के राजा पुलकेसिन द्वितीय ने हराया था। चालुक्य वंश के राजा पुलकेसिन द्वितीय ने हराया था। आप लोगों को ये बताना है कि जो एहोल अभिलेख है ये किसके द्वारा लिखवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। पुलकेसिन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, ये आपका एहोल अभिलेख में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास को और आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए एसएससी जीडी का नया बैच लेके आ रहा है। ये बैच आपका शुरू हो रहा है 30 अक्टूबर को, कब? सुबह 7 बजे। ठीक है, और ये ऑफलाइन बैच भी है, अगर आप घर से पढ़ना चाहते हैं तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा कहाँ? हिंडन हाइट्स, गोपालपुरा बाईपास रोड के सामने। इससे संबंधित अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके माध्यम से आप इस बैच से संबंधित बाकी भी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अंतिम सती की चर्चा राजस्थान में की जाती है कि राजस्थान में कहीं हुई है।
चलिए बता रहे हैं भाई क्या आंसर है, रवि कीर्ति बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि रवि कीर्ति उसका आंसर हो जाएगा जिन्होंने एहोल अभिलेख बनवाया है। बिल्कुल सही भैया, रवि कीर्ति बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वप्रथम अभिलेखों को किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में या उर्दू भाषा में, बताइए। अभिलेखों के माध्यम से एक चीज आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले अशोक वो राजा था, सबसे पहले अशोक वो राजा था जो जनता से कनेक्ट हुआ था, किसके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से उसने जनता से भैया रिश्ते बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, और सबसे पहले जो आपके लिखे गए थे किस भाषा में लिखे गए थे, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा एक ऐसी भाषा थी जो लोकल लोग जिसका प्रयोग करते थे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, तो आंसर जो होगा इसका प्राकृत आंसर होगा। जितने लोगों ने सी जवाब दिया है उनका आंसर यहां पे बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाएगा, ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाएगा, नहीं पूछा गया है, तो क्या वो पुरातात्विक वस्तुएं हैं, क्या वो साहित्यिक रचना है, क्या वो दंत कथा है, या फिर वो आपका विदेशी विवरण है। देखो भाई, पुरातात्विक वस्तुएं मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है, खुदाई में जो सिक्के मिलते हैं उनसे हाँ पता चलता है कि हमारे यहाँ पे इन इन राजाओं ने शासन किया था। साहित्यिक रचना से पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है, जैसे चाणक्य ने क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी, यहां से पता चलता है कि हाँ भाई मौर्यों का शासन रहा था। इसके अलावा जो विदेशी विवरण है उनसे भी पता चलता है, विदेशी विवरण से, विदेशी विवरण यानी कि आपका जैसे हो गया कि मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी आपका इंडिका लिखी थी, वहां से पता चलता है। अब ये जो आपका बचा, क्या बचा, दंत कथा है। दंत कथाओं को आप इतिहास का साक्ष्य नहीं मान सकते, ठीक है, याद रखना इस चीज को। दंत कथाएं मतलब एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और उसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे ज्योति राजपूत दिख रही हैं कमेंट सेक्शन में, अगर इनकी चर्चा की जाए, कोई ऐसी कोई कथा चल रही है कि ये इंडिया की महारानी रही थी ज्योति राजपूत, तो बोलने से क्या होता है, सबूत चाहिए ना कि ज्योति राजपूत मल्लिका ये हिंद रही थी, तो जब प्रूफ ही नहीं है। ये दंत कथाएं बेटा ऐसी कहानियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, उनका कोई सबूत नहीं होता, और इसलिए हम इसको हिस्ट्री का साक्ष्य नहीं मान सकते। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो होगा दंत कथाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो क्या वो आद्य ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल है, नव पाषाण काल है, या मध्य पाषाण काल है, क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, तो इसको भी बोला जाता है, इस वाला जो काल है इस काल को कहते हैं कि इतिहास से भी पहले का काल, जिसके आपको कोई लिखित साक्ष्य मौजूद ही नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी विल बी द राइट आंसर। प्राग ऐतिहासिक काल वो होता है जिसे आप इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जिसके आपको लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं मिलेंगे, तो बी इसका सही आंसर होने वाला है। क्या आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं गया, इससे पहले हमने पढ़ा है लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है प्राग ऐतिहासिक काल, और वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है पर उनको पढ़ा नहीं गया, इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की हमारे पास लिपि तो है, मतलब जो लिखा गया है, पर उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। पता नहीं वो कहना क्या चाहते हैं, वो चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। मछली सबसे ज्यादा उन चित्रों में दिखाई देती है जब ये लिख रहे हैं, तो मछली का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसको बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा होता है, जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद तो है पर हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। आंसर जो होगा इसका ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे।
चलिए क्या आंसर होगा इसका। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं कि ए आंसर है, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। समझते हैं इसमें से क्या आंसर हो सकता है। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है किस स्रोत से सर्वप्रथम लौह सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख है, बोगस कोई है, एहोल है या हाथी गुंफा। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे हाथी गुंफा अभिलेख से हमें कौन से वंश की जानकारी प्राप्त होती है, कौन से वंश की जानकारी प्राप्त होती है हाथी गुंफा अभिलेख से। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोगस कोई अभिलेख मध्य एशिया में एक देश पड़ता है जिस देश को तुर्की बोला गया है, जैसे आज तुर्की कहा गया है। यहां पे से ये जगह मिली है बोगस कोई, यहां पे से वही भगवानों के नाम मिले हैं जो बाद में वैदिक काल में मिले हैं, जैसे इंद्र हो गए, अग्नि हो गए और आपके वरुण हो गए। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख जो है, इस जूनागढ़ अभिलेख को किसने बनवाया था, रुद्रदामन के द्वारा बनाया गया था। सक राजा एक हुआ करता था रुद्रदामन, और उसी में क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त से। आया भाई किसी का आंसर? ठीक है, मैं मान सकता हूं कि चोल की थोड़ी सी जानकारी मिलती है, पर ज्यादा बेहतर जो जानकारी मिलेगी हाथी गुंफा अभिलेख से वो मिलेगी किसकी, चेदी वंश की, चेदी वंश की मिलेगी। और चेदी वंश का सबसे महानतम राजा कौन था, उस राजा का नाम था राजा खारवेल। तो ये जो राजा खारवेल है इसकी जानकारी के लिए भैया एकमात्र स्रोत है हाथी गुंफा अभिलेख। और हाथी गुंफा अभिलेख आपका कहां पे पड़ता है, उड़ीसा में पड़ती है जगह हाथी गुंफा नाम की। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, एहोल अभिलेख मैंने आप लोगों को बताया था कि एहोल प्रशस्ति जो है वो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हर्षवर्धन को हराया था किसने, चालुक्य वंश के शासक पुलकेसिन द्वितीय ने, चालुक्य वंश के शासक पुलकेसिन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, देखो अगर बात की जाए कि आलमगीरपुर जो है वो आपका सबसे पूर्वी स्थल है, कौन सा स्थल है, पूर्वी स्थल जो है। अगर पश्चिम की बात करें तो वो है आपका सुतका गेंदोर, कहाँ पे है, सुतका गेंदोर। मांडा जो है वो आपका सबसे उत्तरी स्थल है, डायमामात जो है वो आपका सबसे दक्षिणी स्थल। आलमगीरपुर जो है वो आपका कौन सी नदी पे है, हिंडन नदी पे है। सुतका गेंदोर जो है वो आपका दाशत नदी पे है। मांडा जो है वो आप लोग बताओगे कौन सी नदी पे है, कश्मीर में जो है वो कौन सी नदी पे है। डायमाबाद जो है वो आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवर नदी पे है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका मांडा है वो किस में है, जम्मू एंड कश्मीर में है मांडा। ठीक है, इसके अलावा आलमगीरपुर कहाँ पे है, ये आपका मेरठ के पास पड़ता है। डायमाबाद जो है वो आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और जो सुतका गेंदोर है वो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगा। आया किसी का आंसर, चिनाब आंसर आया, तो इसी बात पे क्वेश्चन का आंसर और बता दो कि चिनाब, इसी बात पे क्वेश्चन का आंसर और बता दो कि चिनाब जो है उसको वैदिक काल में क्या बोला गया है, चिनाब नदी को वैदिक काल में क्या बोला गया है, यह आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बताइए। सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहां से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, राजा है भाई रुद्रदमन। ठीक है, सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहां से मिला है, धौलावीरा से मिला है, चानूधाड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से, या फिर आपका लोथल से। देखो लोथल से तो आपका मिला है, बड़ा फेमस सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है बंदरगाह। बंदरगाह को ही क्या बोला जाता है, इसे गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोदीवाड़ा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपका क्या मिला है, महान स्नानागार मिला है। इधर से ही आपकी महान क्या मिली है, धान्यागार। चानूधड़ो से आपका क्या मिला है, यहाँ पे से लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक मिली है यहाँ पे से। यहाँ पे से आपका श्रृंगार दानी मिली है, यहाँ की महिलाएं ज्यादा ही साज सज्जा में भरोसा रखती थी। 5000 साल पहले भी लिपस्टिक चल रही थी, आज भी चल रही है और आने वाले करोड़ों साल तक शायद लिपस्टिक चलती रहेगी। ठीक है, और एकमात्र सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहां से मिला है, वो आपका धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा आपका कहां पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहां पे, गुजरात में पड़ता है। क्लियर हो गई ये चीज, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गई ये चीज, ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दें, धौलावीरा कौन सी नदी पे है, धौलावीरा कौन सी नदी पे है। नेक्स्ट बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, राखलदास बनर्जी थे, दयाराम साहनी थे, विलियम कनिंगम थे, या फिर आपके जोशी जगपति थे।
देखो अगर बात की जाए इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो नेतृत्व कर रहे थे खुदाई का, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल उनका नाम हुआ करता था। और सर जॉन मार्शल ने भाई अपने एक असिस्टेंट भेजे थे जिनका नाम क्या था भैया कि आप जाइए हड़प्पा की खोज। इन्होंने ही सबसे पहले भाई हड़प्पा की खोज करी थी। नाम था इनका क्या? इनका नाम था दयाराम साहनी। क्या जवाब दे रहे हैं भैया? लूनी जवाब दे रहे हैं, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। लूनी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, जो नदी मैंने आपसे पूछी थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। राखल दास बनर्जी ने तो मोहन जोदड़ो की खोज करी थी। किसकी? मोहन जोदड़ो की। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर हुई ये चीज? नेक्स्ट पर चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 में आपकी मोहन जोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल शोरतगोई कहां पे स्थित है? भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान में, बताइए। देखो भाई 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, इसके अलावा ये बताया जाता है कि इसका आकार कैसा है, तो बहुत हद तक त्रिभुज बताया गया है। इसका आकार त्रिभुज बताया गया है। इसके अलावा इसमें जो इनकी लिपि है उसमें यू आकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए किस जानवर का भाई, तो मछली जो है जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है लिखते में। और शोरतगोई नाम की जगह कहाँ पर पड़ती है? वो पड़ती है कहाँ? अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये ईरान कौन बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बेटा ईरान में भी घुसेड़ दी है क्या? ईरान में नहीं है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। इसका जो सबसे मेजर पोर्शन है वो आपको पाकिस्तान में मिलेगा और दूसरा जो पोर्शन है वो आपको भारत में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना आपकी सबसे बड़ी जगह कौन सी है? वो आपकी राखीगढ़ी है। सबसे बड़ी जगह कौन सी है? वो आपकी राखीगढ़ी है। और सबसे छोटी जगह जो है वो आपकी अल्लादीनो है। अल्लादीनो आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और राखीगढ़ी आपकी कहाँ पे पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता नामकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? सर जॉन मार्शल ने, डॉक्टर रफीक मुगल ने, राखल दास बनर्जी ने या फिर आपका दयाराम साहनी ने, बताओ। हाँ जी एचआर में है, हरियाणा में, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पखोड़ी ने जवाब दिया है भाई जॉन मार्शल इसका आंसर होगा, देख लेते हैं भाई। देखो भाई अगर बात की जाए सिंधु सभ्यता, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। इसके द्वारा ये जवाब दिया गया था, ये जो नाम दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी शब्द भी जुड़ जाता तो फिर उसका आंसर हो जाता रफीक मुदगल। तो सिंधु सभ्यता जो है वो नाम दिया है जॉन मार्शल के द्वारा। आप सभी लोगों को पता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कौन से वायसराय के टाइम पे बना था ये आप लोगों को बताना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कौन से वायसराय के टाइम पे बना था, बताएंगे इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से मिले हैं? चानूधड़ों से, रोपड़ से, धौलावीरा से या फिर आपके रंगपुर से। धौलावीरा आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये याद रखें यूनेस्को की जो साइट है विश्व विरासत स्थल, उसमें ये धौलावीरा को 40वें नंबर पर शामिल किया गया है। साथ में आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जो स्टेडियम है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चनूधड़ों से आपका क्या मिलेगा? आपका चनूधड़ों से याद रखना यहीं से को मन के बनाने के साक्ष्य मिले। याद रखना मन का जो है जैसे आप मोती कहते हो, इसके साक्ष्य आपको सिंधु घाटी की और भी जगह से मिले हैं, पर सबसे ज्यादा जिसके टाइम पे आपका कहते हैं कि मन के बनाने की फैक्ट्री के साक्ष्य मिले हैं तो वो आपके चानूधड़ों से मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के टाइम पे की गई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे नहीं। अगर आपसे पूछा जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? कैनिंग के टाइम पे हुई थी। पर अगर आपसे पूछा जाए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, विभाग अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। तो विभाग कर्जन, नॉर्मल जो बनी थी संस्था वो बनी थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है जी, नेक्स्ट बताएंगे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, बताइए। विशाल स्नानागार,
यहीं से आपको और क्या मिलेगा भैया, स्नानागार से, इधर से ही विशाल धान्यागार मिला है, ठीक है। इसके अलावा विशाल स्नानागार को देख कर जॉन मार्शल ने यह बोला था कि इस सबसे आकर्षक इमारत उसने देखी है भैया, बड़ी अद्भुत इमारत देखी है स्नानागार को देख के। यहीं पैसे आपकी क्या मिली है, पशुपति की मोहर भी मिली है। यहीं पैसे आपको कपास का बुना हुआ कपड़ा मिला है। यहीं पैसे आपको क्या मिला है, पासा मिला है, जो लूडो में प्रयोग होता था, डाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबका आंसर हो जाएगा मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो से ही भैया एक बियर्ड मैन मिला है, एक मूर्ति मिली है, जिसने भैया क्या है भैया, उसकी अच्छी खासी दाढ़ी है, इमेज ऑफ अ बियर्ड मैन। क्लियर हुई है चीज, आंसर जो हो जाएगा इसका वो मोहन जोदड़ो हो जाएगा। कालीबंगा की अगर बात करें तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से ही आपको क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा से ही आपकी ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से ही आपकी लकड़ी की नाली मिली है। कालीबंगा से ही आपको क्या मिले हैं, आपको मिले हैं, हम कह सकते हैं कि इसमें एक चीज और है जो मिसिंग हो रही है कालीबंगा में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, दीनहीन बस्ती भी इसको कहा जाता है। यहीं पैसे आपको प्राप्त हुए हैं हवन कुंड, हवन कुंड भी मिले हैं, यहां से अग्नि कुंड भी मिले हैं, ठीक। आपको बताना है कालीबंगा से संबंधित जो आपके पॉइंट दिए हैं, इनमें से कौन सा आपका पॉइंट सही नहीं है, सत्य नहीं है। कालीबंगा से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। बेलनकार मेसोपोटामिया मोहर के समरूप मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहां से अलंकृत फर्श व ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, बताएं। हाँ जी, बीबी लाल के द्वारा। कालीबंगा से आपको इसमें से तीन पॉइंट और मिलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज, तीन पॉइंट और मिल जाएंगे कालीबंगा से। यही पैसे भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, यह बात बिल्कुल सही है। बेलनकार मोहर जो मिली है आपकी मेसोपोटामिया की, वो भी कालीबंगा से मिली है। मेसोपोटामिया मतलब आज के इराक की बात हो रही है, तो यानी कि यह चीज साबित करता है कि इराक से हमारा व्यापार चल रहा था उस टाइम पे, यह बात भी बिल्कुल सही है। यहां से अलंकृत फर्श व ईंटें मिली है, यह पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर मिले हैं खुदाई में, उसमें जो फर्श है उसमें कुछ डिजाइनिंग वगैरह कर रखी है। और कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ता, आदमी के साथ कुत्ता तो भैया आपका कहां मिला है, यह मिला है बुर्ज होम में, और यह बुर्ज होम नाम की जगह कहां पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। बुर्ज होम में जो कब्र मिली है उसमें आदमी के साथ कुत्ते की भी क्या मिली है, हड्डियां मिली है, ठीक है, क्लियर हो गया आंसर, तो डी इसका सही आंसर होगा। बताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे की नृत्यकी की भाई मूर्ति प्राप्त हुई है, क्या लोथल है, धौलावीरा है, हड़प्पा है, या आपका मोहन जोदड़ो है, बताइए क्या इसका ज्यादा बेहतर आंसर हो पाएगा। देखो बाकी जगह से क्या क्या मिला है उस पर हमने चर्चा करी हुई थी थोड़ी देर पहले। लोथल से आपका धान के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से ही आपका क्या मिला है, बंदरगाह मिला है। पुरुष और स्त्री के कंकाल एक ही कब्र से मिले हैं। धौलावीरा भी आपको बताया था, स्टेडियम प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से हमने अभी चीजें जानी ही थी क्या मिली हैं, सब आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें आंसर जो हो जाएगा वो मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो के मैंने पॉइंट्स अभी बताए थे। स्नानागार मिलेगा, धान्यागार मिलेगा, इसके अलावा आपको कपास का बुना हुआ कपड़ा, पशुपति की मोहर मिल जाएगी, इसके अलावा कांसे की नृत्यकी की भैया मूर्ति है, और वो आपकी कैसी है, नग्न है, तो नग्न महिला नृत्यकी की मूर्ति है जो आपकी कांसे की बनी हुई है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से वैदिक सभ्यता का काल क्या है, 1500 से 1000, 1000 से 600, 1500 से 600 या फिर 2500 से 600, ठीक है। सर किसी की बेइज्जती नहीं करते हो आप एग्जामपुर की, तो भैया तुम्हारी तुम ऐसी हरकत करोगे तो फिर कहा ही जाएगा उसको, ठीक है, बेइज्जती भी कर लेंगे। डॉकयार्ड क्या है बेटा, बंदरगाह को इंग्लिश में डॉकयार्ड बोला गया है, ठीक है। ज्योति आप कहाँ से मिलो, बेटा मैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की पैदाइश हूँ, आज से 3000 साल पहले मेरा जन्म हुआ था, तो उसी के टाइम के हम चल रहे हैं। चलिए, वैदिक सभ्यता का कालक्रम क्या है, वैदिक सभ्यता का कालक्रम, देखो वैदिक सभ्यता आपकी दो भागों में बटी हुई है, एक तो ऋग्वेदिक काल में और एक आपकी बटी हुई है उत्तर वैदिक काल में, दो भागों में इसे बांटा गया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो कार्यकाल है वो तो 1500 से 600 ईसा पूर्व है, 1500 से 600, पर ऋग्वेदिक काल में 1500 से 1000
और उत्तर वैदिक काल में आपका 1000 से 600। क्लियर हुई है चीज? तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर आपका हो जाएगा क्या, 1500 से 600 ईसा पूर्व। सी विल बी द राइट आंसर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, छोटा डॉन बेटा तुम कितनी बात करते हो कमेंट सेक्शन में, पढ़ाई वढ़ाई कर लो है, छोटे से पटाखे की बेटा लड़ी फेंक दी जाएगी तुम पे जला के, सारी सारी तुम्हारी छोटे डॉन की निकल जाएगी। चलिए आंसर क्या होगा इसका बताएंगे। निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा गया, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद या अथर्वेद? तो ऋग्वेद में तो भगवान के सम्मान में सूक्त समर्पित है 1028 के आसपास। ठीक है, यजुर्वेद आपका किससे संबंधित है, यज्ञ संबंधित, यज्ञ करते वक्त कौन कौन से नियमों का पालन करना है वो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि गौरव भैया है अगर वो पाखी की बलि देना चाहते हैं, पशु बलि वगैरह जो है वो इसमें दिया गया है, पशु बलि वो इसी में दिया गया है। सामवेद में याद रखना इसमें आपको किसके साक्ष्य मिल जाएंगे, इसमें आपको भूकंप के साक्ष्य भी मिल जाएंगे, भूकंप के साक्ष्य। और ये संगीत के कितने स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पादा नीसा सानी दापा मागा रेसा। तो ये जो 7 स्वर है पहले शुरुआत में फिर उसका उल्टा, सारे गामा पादा नीसा सानी धापा मागा रेसा, तो ये जो 7 स्वर है वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको सामवेद में मिल जाएंगे। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में आपका बताया गया है कि किस प्रकार जादू टोने के माध्यम से लोगों की परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है, जादू टोने के माध्यम से लोगों की परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है, ये चीज आपकी इसमें दी गई है। क्लियर हो गई ये चीज, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। कमेंट सेक्शन में जो रिंकू भैया दिख रहे हैं बेटा इस चीज को याद रखें, इन्होंने जादू टोने का कोर्स कर रखा है और बोल भी रहे थे सर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सामवेद विल बी द राइट आंसर। धनुर्वेद जो है वो किस वेद का उपवेद है, ये आपसे पूछा गया है। तो उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है सहायक वेद। ठीक है, क्या होता है, सहायक वेद। और हर वेद की एक उपवेद है, जैसे ऋग्वेद की उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। सामवेद की उपवेद क्या है भाई, गंधर्व वेद है। यजुर्वेद की वो तो आप बता ही दोगे, और अथर्ववेद की उपवेद क्या है, ये शिल्प वेद है। ठीक है, शिल्प वेद। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि शिल्प वेद को लिखा किसने था। ठीक है, आयुर्वेद को किसने लिखा है भाई, धन्वंतरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, धन्वंतरी के द्वारा। गंधर्व वेद को किसने लिखा है, भरत मुनि, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा सामवेद की जो है आपकी, सॉरी यजुर्वेद की जो है आपकी धनुर्वेद, धनुर्वेद को लिखने वाले कौन है, ऋषि विश्वामित्र है। ऋषि कौन से है, विश्वामित्र है। और शिल्पवेद आप बता दो किसके द्वारा लिखी गई है, अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं है, जल से जल बता दीजिए। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि शिल्पवेद जो है अथर्ववेद की वो किसके द्वारा लिखी गई है, बताएं। अभी तक तो किसी का जवाब आया नहीं, बताना बड़ा आता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोरिया से भी लोग आए हैं कमेंट सेक्शन में, सैमसुंग आया हुआ है कोई, कोरिया से पढ़ने आए हैं लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, शिल्पवेद को लिखने वाले कौन थे, उनका नाम था विश्वकर्मा। ठीक है, विश्वकर्मा उनका नाम हुआ करता था। ठीक, इनमें से कौन सा एक गैर धार्मिक ग्रंथ है, ये आपसे पूछा गया है। वेद है, अर्थशास्त्र है, महाभारत है, या फिर आपका उपनिषद हो जाएगा, गैर धार्मिक ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बताएं। देखो वेद धार्मिक है, सभी को पता है, 4 वेद संस्कृत भाषा में लिखी हैं वेद व्यास के द्वारा। महाभारत धार्मिक है, संस्कृत भाषा किसने लिखी, वेद व्यास ने लिखी है। उपनिषद संख्या कितनी है, 108। उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर शिष्य के द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, गुरु के समीप बैठकर शिष्य के द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, वो आपका दिया है उपनिषद में। इसके अलावा आप लोगों को बताना है क्वेश्चन का आंसर, याद रखना वैदिक काल में 4 आश्रम दिए गए थे, 4 आश्रम जिसमें आपका क्या करना है, पैदा होने से लेकर मरने तक 4 आश्रम थे। पैदा होने से लेकर 25 साल तक क्या है भैया, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ज्ञान ग्रहण करेंगे। 26 से लेकर 50 तक भैया शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, वंश आगे बढ़ाएंगे, इसे बोला जाता है भैया गृहस्थ आश्रम। ठीक है, फिर 51 से लेकर 75 घर वर छोड़ के भैया आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ।
और फिर 76 से लेकर 100 तक इस तरीके से आपको पूजा करनी है, ध्यान लगाना है कि आपको संन्यास मिल जाए। आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा उपनिषद है जिसमें ये चारों के चारों आश्रम दिए गए हैं, वो कौन सा उपनिषद है जिसमें चारों के चारों आंसर दिए गए हैं, चारों के चारों आश्रम दिए गए हैं, बताएंगे इसका आंसर। अर्थशास्त्र जो है वो आपका गैर धार्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? गैर धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, बेहतर है। जबालो उपनिषद, के एस जांगड़ कह रहे हैं आजकल 50 में डेथ हो जाती है। ठीक है, जब बाहर बेटा यही ठूसते रहोगे पिज्जा बर्गर तो 50 में नहीं 30 में भी मर सकते हो, इसलिए इन सब चीजों से दूर रहें, ज्यादा ना खाएं। ठीक है, गीता बेटा जबोली लिख रही हो, इससे अच्छा जलेबी लिख देती, पहले उसको बेटा ढंग से लिख तो लो। जबालोपनिषद है। ठीक है, आंसर क्या होगा भाई इसका, जलसेल बताएंगे। वैदिक काल में चेनाब नदी का क्या नाम हुआ करता था? देखो वितस्ता जो था वो किसका नाम था? वो आपका झेलम का नाम था। वितस्ता जो नाम था वो किसका था? झेलम का। शतुद्री जो था वो किसका नाम हुआ करता था? सतलुज का। तो सतलुज नदी जो है उसका नाम था शतुद्री। पारुषनी किसका नाम था ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। अस्कनी जो है वो आपका चेनाब का नाम था। ठीक है, किसका नाम था? चेनाब का। क्लियर हो गई ये चीज। पारुषनी और बता दीजिए, इसी पारुषनी नदी के तट पे आपका 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 10 राजन युद्ध हुआ था जिसमें भरत कबीले के राजा जो थे, भरत कबीले के जो राजा थे सुदास, इन्होंने 10 राजाओं को हराया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। कौन से मंडल में दिया गया है? सातवें मंडल में दिया गया है, ऋग्वेद के। ऋग्वेद के सातवें मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या दिया गया है? आपका गायत्री मंत्र दिया गया है। ऋग्वेद के नौवें मंडल में सोम दिया गया है, सोमरस। ठीक है, दसवें मंडल में क्या दिया गया है? आपका पुरुष सूक्त दिया गया है। पुरुष सूक्त का मतलब क्या है? उस समय पर जो समाज आपका चार भागों में बटा था, ये विभाजन आपको दसवें मंडल में मिल जाएगा। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर हो गई ये चीज, ये आपको याद रखना है। और ये जो विभाजन था वो किसके आधार पे था? वो कर्म के आधार पे था। किसके आधार पे? जैसा आप काम कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही। रावी नदी को क्या बोला गया है? रावी नदी को बोला गया है आपका क्या? ये बोला गया है आपका क्या? पारुषनी नदी। धीरज कुमार बेटा पढ़ाई कर लो, कमेंट सेक्शन में चाय दे रहे हो, आगे ऐसा ना हो कि चाय ही बेचनी पड़ जाए। ठीक है, उसके बाद मुंह भी प्याले जैसा करना पड़ेगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक सीमित रख लेते हैं क्योंकि अब हमारा समय हो चुका है। और जाते जाते आप सभी लोगों के लिए फिर से एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन कि ऐसे सभी बच्चे जो भैया आपके जानने वाले हैं, कोई भी आपके भाई बहन हो या कोई कज़न हो, दोस्त हो, अगर वो तैयारी कर रहे हैं भैया SSC GD की, तो उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है भाई बिल्कुल नया बैच जो आपका 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे। ठीक है, और ये ऑफलाइन बैच है। अगर आप चाहते हैं घर से पढ़ना तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी हो सकता है। बैच क्या हो सकता है? लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी हो सकता है। इसके अलावा ये आप थोड़ा सा एड्रेस ध्यान रखना, अगर आपको जयपुर आना है तो आपको ये आना पड़ेगा कहाँ? हिंडन हाइट्स में, गोपालपुरा बाईपास रोड के पास। और ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है जिसके माध्यम से आप बाकी की नॉलेज क्या कर सकते हैं भैया? ले सकते हैं। ठीक है, आज आप सब लोगों ने इतना सारा प्यार दिया भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास भी 10-15 मिनट वॉइस की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी, पर आप लोगों का जो सेल्फलेस लव है मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो डेली मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। बस अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को एक बार आप लाइक कर देना भैया, अंगूठा वाला जो चिन्ह आ रहा है भाई एक बार दबा दियो, और डू शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इस क्लास का जो लिंक है, जो भी चलाते हो व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर दो दो व्हाट्सएप भी चलाते हैं आजकल लोग, सब जगह इसको अपलोड कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे इसको शेयर भी कर देना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, आप लोगों से हम कल मिलेंगे। ऐसा जो बच्चा कह रहे हैं कि इसकी PDF नहीं मिल रही है, SSC का जो टेलीग्राम चैनल है उत्कर्ष का, जो आपको वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, पिन कर दिया गया है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे कल, तब तक सब लोग अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।